तो गाइस आज हैं सर्विस सेंटर में छोटे से काम से। दो काम है मेरे को, एक तो बार एंड मिरर मैंने ले ली है, क्योंकि जेन्युइन एक्सेसरी 6,500 रुपये का मोटा खर्चा किया है। ये लगवाने आया हूँ मैं भी, इमरान भाई यहाँ पे लगाएंगे। और एक लगानी है एमके डिज़ाइन की ये फिल्टर प्लेट, तो देखते हैं क्या इससे फ़र्क पड़ेगा एयर इनटेक पे। फटाफट से प्रोसेस देखेंगे अब कैसे लगाना है इसको। और मिरर्स तो अभी लगे हुए हैं इसमें ऑल्दो, बट ये वाले एक्चुअल मिरर नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, है कॉपी है ये एनफील्ड की। अब ये ओरिजिनल मंगाया मैंने, अनबॉक्स करके दिखाता हूँ इसको। जब आप इसको पकड़ोगे ना फील हो जाएगा सिस्टम वगैरह में, ये देखो टेक्सचर बने हुए हैं और प्रोडक्ट नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे स्टैम्प पे। लगा दो लाला, ये नकली वाले हैं, इनमें कोई किसी तरह का टेक्सचर नहीं है स्टैम्प पे, तो प्लेन स्टैम्प है। फर्क दिखा रहे हैं पर हाँ, इसकी फिटिंग का बड़ा इशू आता है, जो डुप्लीकेट है ना फिटिंग का बड़ा इशू आता है, ये फेविक वगैरह लगा के और पता नहीं कैसे कैसे फिट करने पड़ते हैं। तो अब ये वाले स्विच कर रहे हैं हम इसको। तो ये प्रिंट करके लिखा हुआ है इस पर, जो रॉयल एनफील्ड लिखा है प्रिंटेड है। और इसमें जो है, इसमें जो है ये एनग्रेव्ड टाइप का है, अंदर है लिखा हुआ, मेटल के ऊपर ही लिखा है। तो ये है, बाकी ये कुछ छोटे मोटे फ़र्क हैं इसमें, ऑल दो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है इसकी भी, गंदे हो गए हैं थोड़े से। ये कुछ बाइक का लुक आ रहा है, GPS करा ली मैंने कल, वो वीडियो भी जल्दी आने वाला है चैनल पर। जुगाड़ कर करके लगा रखे थे कैसे कैसे, कि बार एंड खोलने का तरीका भी, वो भी दिखा दूंगा मैं। ये अंदर जो ब्रैकेट रहता है ना इसके, ये घूमता रहता है पता है, हाँ ये घूमता है। थोड़ा से लूज करके लगा रहे हैं इसको। अभी एकदम लॉक मत करना है इसको, बैठ के ना वो देख लेना एक बार आप एंगल इसका। परफेक्ट लग गया भाई साहब ये तो एकदम, और ये लॉक की तरह काम करता है इसका बार एंड जो है। लॉक हो गया, इसको पकड़ के ये लॉक करना पड़ता है, नहीं तो अंदर वाले पार्ट की तरह घूमता रहेगा ये, और ऐसे ही खुलेगा भी ये। और इस साइड का खोल रहे हैं, दिखा देता हूँ सर, हालत बुरी कर रखी है इसने तो साले ने, जबरदस्ती लगा दी है पता नहीं क्या क्या बुश वुश लगा के। देख लो नकली वाले मत लगवाना कभी भी मिरर, ये ओरिजिनल एक्सेसरी ओरिजिनल ही होती है। इमरान भाई मैंने कहा ओरिजिनल ओरिजिनल ही होते हैं। बैठ के देख लो एक बार फिटिंग इसकी, ये स्टॉक फिल्टर ही है फिलहाल, एयर फिल्टर स्टॉक ही लगा हुआ है इसमें लगा हुआ है, और उसके ऊपर ही एक जो परफॉर्मेंस प्लेट होती है फिल्टर प्लेट, सेज टू प्लेट बोलते हैं उसे शायद, वो मैं अपग्रेड कराने वाला हूँ। उसके बाद में देख लेंगे अपन कितना अपग्रेड होगा, ये फिल्टर तो फिल्टर ही है, परफॉर्मेंस फिल्टर में वो भी होता है कि बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, उसके अलावा और कोई फ़र्क होता नहीं मुझे लगता है।
ये कुछ बाइक का लुक आ रहा है। हल्लू हल्लू एडजस्ट कर रहे हैं ये, और मेरे ख्याल से व्यू एकदम परफेक्ट है। ठीक है तो भाई बात ऐसी है कि अभी मैं खुद ही लगाने की कोशिश करूँगा, और फिल्टर वाली साइड खोलने का जो पैनल है, ये वाला पैनल खोलना है फिल्टर के लिए। और पहले अपना नॉर्मल ये पैनल खोल के सीट निकाल लो। सीट निकालने के बाद यहाँ पे एक नट दिया हुआ है, एक नट दिया हुआ है, उसको नट को खोलना है एल एन जी से और जस्ट नॉर्मली बाहर आ जाएगी वाली साइड पैनल ये वाला। और ये फ्लैश एक्स भी लगाया हुआ मैंने, इसमें मैंशन करना भूल गया था, हेजार्ड के लिए फ्लैश एक्स लगा हुआ इसमें, खोलते हैं ये वाली साइड और फिर दिखाता हूँ क्या होता है। ये पैनल खुल चुका है, इसको थोड़ा सा ये टाइट होता है यहाँ पे, लॉक रहते हैं प्लास्टिक के, ये ऊपर स्लाइड होके आ जाएगा। ये वाली प्लेट खोलनी है इसकी स्टॉक, और दूसरी प्लेट में दे रहा हूँ आप। ऐसे कुछ नहीं रहेगा, प्रेशर से क्लीन करने जा रहे हैं। तो आई रिकमेंड कि आप लोग सर्विस सेंटर पर आके ही करा लो। देखो मिट्टी निकल रही है, कैमरे में दिखाई दे पा रही है नहीं दे पा रही। हाई क्वालिटी करके देखना थोड़ा सा। ठीक है साफ है ये नहीं, ये नहीं ला। खासियत क्या होती है? खासियत तो बनानी पड़ती है। खासियत तो मतलब क्या आपको अच्छा? कंपनी तो सादी गाड़ी देती है आपको, आपको बनाना पड़ता है उसको, मतलब मॉडिफाई कराना। हाँ लेकिन ये है कि 4 लाख के अंदर में, 4 लाख के अंदर में इससे तगड़ी गाड़ी नहीं है। ये रहा भाई स्टॉक प्लेट, छोटे छोटे वेंट हैं जिसमें, लोग इसे भी काट देते हैं लेकिन मैंने काटा नहीं इसको फिलहाल, क्योंकि ये प्लेट 500 रुपये की, तो ज़्यादा मेरे को फ़र्क पड़ा नहीं है। ये मैं कटवा देता और इसको मेरे को चाहिए होता स्टॉक बाद में, तो ये महंगी पड़ती मेरे हिसाब से। इसको रख लेते हैं मेरे पास, वापस से फिटिंग करी जा रही है। चलो आई होप आप लोगों को वीडियो काम की लगी होगी और समझ आ गया होगा क्या क्या करा दिया मैंने आज बाइक में। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ जिनको ये काम कराना है अपनी जीटी में। परफॉर्मेंस अपग्रेड एक करा चुका हूँ मैं, पहली सीढ़ी चढ़ दी है परफॉर्मेंस अपग्रेड के नाम पर। मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा। लुक देख लो ऐसा आ रहा है बाइक का।